अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। अभी जो है दम्माम में शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम काफी जबरदस्त हो रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ने लगी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी ये है, कुछ ड्राइवरों ने जो है गाड़ी धोली होगी तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। खैर, अपनी गाड़ी जो है अभी हीट करने के लिए छोड़ दी है, मतलब हीट हो रही है क्योंकि सुबह से आई थिंक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो खैर, अभी यहां से चलेंगे दम्माम कॉर्नर्स, और दम्माम कॉर्नर्स जाने से पहले कुछ पता नहीं कहां जाना हो और ये भी पता नहीं कि आज का ब्लॉग कैसा कंप्लीट हो क्योंकि बारिश पड़ रही है तो बाहर तो जाना नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं दम्माम कॉर्नर्स और वहीं एक्सप्लोर करते हैं कुछ ना कुछ। यल्ला लेट्स गो। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई बैठा था, ये जो दिख रहा था ना, मुझे ऐसे ही लगा इसमें कोई था ये। लेकिन अभी जो है बारिश पड़ रही है, मौसम काफी जबरदस्त हो रहा, और यहाँ से हम निकलेंगे इस रास्ते से दम्माम कॉर्नर्स के लिए। तो गाइस, फाइनली दम्माम कॉर्नर्स जाने का जो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि दम्माम में लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश पड़ने के साथ साथ जो है बिजली काफी चमक रही है, तो ऐसे माहौल में जो है जाना बेहतर नहीं रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है रूम पे जाया जाए क्योंकि बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे टाइम पे मुश्किल होता है काफी ज्यादा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वाली वीडियो में 24 घंटे के बाद। आई थिंक मैं कल 6-7 बजे को आ गया था, तो अभी जो है 6:40 हो रहे हैं और अभी लग गई है मेरी ड्यूटी। और इस 24 घंटे के बीच में मैंने बाहर निकल के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं, क्योंकि ना ही ड्यूटी लगी और ना ही कोई काम था ऐसे जाने का। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही बाहर झांक कर देखा बिल्डिंग से, तो बारिश जो है काफी पड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारे बाहर जो हैंग हुए हुए थे कपड़े वो भी भीग गए हैं दोबारा। तो जैसे अभी लग गई है ड्यूटी तो बाहर निकल के देखते हैं कि अभी माहौल कैसा है बाहर का, और उसके साथ साथ जो है देखते हैं दम्माम के क्या हाल चाल है क्या नहीं। तो कुछ इस तरीके का माहौल है, हल्की हल्की सी बूंदे पड़ रही है वैसे, और ऐसे समय जो है ज्यादा बाहर घूमना एकदम मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास माइक है और माइक के ऊपर जो डेड केट है वो जो है डेड हो जाएगी ज्यादा। तो अभी निकलते निकलते जो है 7 बज चुके हैं और बाइफर जो है कुछ खास नहीं चल रहे मेरे, टाइम मिलते ही चेंज कराना पड़ेगा जैसे ही टाइम मिलेगा। और एक बात की मुझे ज्यादा टेंशन है फिलहाल अभी कि अगर ऐसी बारिश कंटिन्यू रही तो ब्लॉग कैसे बनेंगे मेरे, क्योंकि मैं तो बाहर की ब्लॉग्स बनाता हूँ, रूम पे कोई ब्लॉग ऐसा बनने का नहीं जो हाँ भाई खाना बनाओ तो ठीक है एक ब्लॉग बना लो डेली, तो ये भी काफी ज्यादा टेंशन की बात है मेरे लिए। लेकिन देखते हैं कोई नहीं माहौल के रहते हुए। और फाइनली गाइज अभी आ गया हूँ मैं दम्माम कॉर्नर्स पर, और यहाँ आने से पहले जो है रास्ते में मैंने ले लिया एक पाइनएप्पल, काफी बड़ा पाइनएप्पल था, उसको खाया। उसके बाद लिया एक दूरा भुंटा, मतलब पूरा खाया था वो भुना हुआ। उसके बाद लिया सहलब बिल्कुल बेकार, वीडियो पूरी बना नहीं पाया क्योंकि गाड़ी जो है बिल्कुल फूड ट्रक के फ्रंट में थी, तो इसलिए ले नहीं पाया बिल्कुल बेहतर तरीके से। लेकिन छोटी सी क्लिप से ले ली है वो देख लेना आप, और वो भी इसलिए ले ली मतलब कि शॉर्ट टाइम में ले ली वो भी दिखाने के लिए। फिलहाल अभी आ चुका हूँ मैं इधर तकतल कैफे के पास, वो अभी जो है बारिश पड़ रही है इसलिए बेहतर तरीके से जो शूट नहीं हो पाएगा, बस इनको दिखाने के लिए लेकर आया था। ये दकतल कैफे वाले बाबा इधर बैठे, बारिश पड़ रही है काफ़ी तेज की, तो इसलिए बाहर जो शूट नहीं हो पाएगा बेहतर तरीके से। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जो यहाँ पर रुकने वाले हैं उसके बाद चलेंगे घर पर, क्योंकि अभी बाहर घूमने का कोई प्लान नहीं है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। और अभी कुछ इस तरीके का माहौल है, और ये साहब जो जा रहे हैं दो, इधर एक गाड़ी आई उसने इतनी तेज गाड़ी निकाली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है पानी जमा है, वो भीग गए बिल्कुल। ओए होए, वो अपनी गाड़ी उधर खड़ी है, वो बारिश जो है काफी पड़ रही है तो इसलिए जो है कोई फायदा नहीं है अभी यहाँ रुकने का, क्योंकि ऐसे में सूट नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो इसलिए बेहतर होगा कि गाड़ी में जाके बैठा जाए और यहाँ से जो है निकला जाए घर की तरफ। और यहाँ से जो है मुझे एक्सचेंज कराने पड़े, मतलब कि वाइपर, क्योंकि वाइपर जो है क्लीन नहीं चल रहे थे उसकी वजह से नए वाइपर डलाने पड़े हैं।
फाइनली इस वाले इशारे पर भी कैमरे लग चुके हैं। मतलब ये रोड है प्रिंस मोहम्मद बिन फहद खोबर को जो जोड़ता, इधर है राइट साइड में मदीनतुल अम्माल और राइट साइड में है अब्दुल्ला फहद। इस वाले इशारे पर पहले जो कैमरा नहीं था, अभी जो है कैमरे लग गए। एक वो लगा है सामने, इधर ज्यादा फोकस तो नहीं कर रहा होगा कैमरा ये, और इधर मतलब कि इधर वाले इशारे पर भी फिक्स हो गए हैं। और फाइनली गाइज अभी तमाम कॉर्निस से मैं आ गया हूँ घर पे, और घर पे छोड़ के भी अभी जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। टाइम जो ऑलमोस्ट 11:03 हो गए, तो टाइम भी काफी हो चुका है वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन कोई नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट निकला था। आई थिंक 6 के बाद तो निकला था, तो इसलिए आज के ब्लॉग में खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना रहा, लेकिन मैं सूट नहीं कर पाया। कुछ वजह ये भी थी क्योंकि गाड़ी जो है फ्रंट पर रुकी तो बाबा बैठ हुआ था साथ में, और आपको पता जब तक बाबा है साथ में तब तक फूट की वीडियो जो है शूट करना अलाउ नहीं है। और उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन ये थी कि बारिश पड़ रही है, खैर ये सारा ओपन हो गया, कुछ देर में मिलते हैं। फिर बारिश भी पड़ रही थी और थोड़ी थोड़ी बूंदें अभी भी पड़ रही हैं, तो इसी वजह से ज्यादा बाहर शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बाहर शूट करना एकदम मुनासिब नहीं है इतनी बारिश में। तो इसलिए बस आज के लिए इतनी काफी है, और जो खाया पिया था वो भी दिखा दूंगा, नहीं तो लोग ये भी सोचेंगे। ऐसे भी हैं ये कहेंगे अरे झूठ बोल दिया भाई, कुछ तो खाया ही नहीं, कुछ दिखाया नहीं, तो दिखा देता हूँ वैसा भी, तू कंट्रोल में रहिए। ये सहालब लिया था, ये तो बेकार था बिल्कुल, और इसका प्राइस भी 10 रियाल। और एक लिया था मैंने भुंटा मक्का, मतलब भुंटा वो जो है थोड़ा सा ही खाया मैं, बाकी छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा काला कर दिया था उसने यार भूनते भूनते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह आज का दिन जो है खैर मुकम्मल हो गया, और ये ब्लॉग जो है 2 दिन में कंप्लीट हुआ, वो इस वजह से क्योंकि सुबह से मैं निकला नहीं, बारिश भी पड़ रही थी, ड्यूटी भी नहीं थी, अभी भी बिजली काफी चमक रही है, तो अभी जो है ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना ठीक नहीं है ड्राइव के टाइम। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है, मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह मा सलामा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है और ये ऐसी चल रही है बस। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, बस आगे कोई याद नहीं है मेरे।